नमस्ते दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम रोज़ एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आते हैं और आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज जो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत बार आया होगा, बट इंटरनेट पर कुछ खास नहीं मिलने की वजह से आपको जानकारी नहीं मिली होगी, इसलिए हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट झूठ पकड़ने वाली टेक्निक है, जिसमें आदमी की बातचीत के कई ग्राफ एक साथ बनते हैं और इससे हर एक्सपेक्टेड झूठ को पकड़ने की कोशिश की जाती है। दूसरा तरीका होता है तूत सीरम या नार्को टेस्ट। इसमें उस आदमी को एक दवा दी जाती है, इसमें एक्यूज्ड बेहोशी की हालत में बात करता है और सच बातें बोल देता है। इस दूसरे तरीके को भारत में कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है और अन्य किसी दूसरे देशों में इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन दुनिया के करीब 150 देशों में पॉलीग्राफ टेस्ट अभी भी चलन में है, क्योंकि ये 100 साल पुराना भरोसेमंद टेस्ट है। इस टेस्ट को एक्सपर्ट करते हैं और वही रिजल्ट का स्टडी करते हैं, लेकिन ये कैसे पता चलता है कि जिस इंसान की जाँच हो रही है वो सच बोल रहा है या झूठ? असल में जिस इंसान पर टेस्ट होना है उसकी धड़कन, सांस और ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव को ग्राफ के रूप में दर्ज किया जाता है। शुरू में नाम, उम्र और पता पूछा जाता है और इसके बाद अचानक उस विशेष दिन की घटना के बारे में पूछ लिया जाता है। इस अचानक सवाल से उस इंसान पर साइकोलॉजिकल दबाव पड़ता है और ग्राफ में बदलाव दिखता है। अगर बदलाव नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो सच बोल रहा है, अगर बदलाव आता है तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। इस तरह से उस व्यक्ति से 11 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें 4 या 5 सवाल उस घटना से रिलेटेड होते हैं। जिन जिन सवालों पर ग्राफ के बदलाव आता है उसका एक्सपर्ट स्टडी करते हैं, लेकिन अगर ये टेस्ट को किसी एक्सपर्ट के देख रेख में नहीं किया जाता है तो इससे गलत नतीजे भी निकल सकते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट के द्वारा ही इसे कराया जाना चाहिए। अगर किसी खास घटना के बारे में कोई सबूत है और पॉलीग्राफिक टेस्ट में झूठ बोला गया है तो वही उसका झूठ पकड़ा जाता है और इसे कोर्ट में मान भी लिया जाता है। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने एक मर्डर के मामले में पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए भेजा। पुलिस ने एक व्यक्ति को शक के आधार पर जेल भेज दिया, लेकिन उस आदमी ने अपील की कि वो निर्दोष है और चाहे तो उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराया जा सकता है। उस व्यक्ति की जाँच हुई और पाया गया कि वो निर्दोष है। 1 महीने के बाद जिसने असल में हत्या की थी उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। हालांकि इसके अलावा भी झूठ पकड़ने की जांच की जाती है, जैसे ब्रेन मैपिंग, लेकिन ये सब बहुत भरोसेमंद जांच नहीं है। इस तरह की अन्य जांच वैज्ञानिक रूप से बहुत सटीक पाई नहीं गई है, इसलिए इन पर रोक लगा हुआ है और इसलिए हर केस में इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।